अकाल और आप सभी को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग देख रहे हो फ्री ब्यूटी पार्लर कोर्स की सीरीज। जी हाँ, और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है कि अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं और सब्सक्राइब का बटन दबाते हैं या फिर बेल आइकन दबाते हैं तो आपको कुछ आपके पैसे कट जाएंगे या ऐसा कुछ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दोस्तों। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैं अपने चैनल पर पार्लर का कोर्स सिखाती हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, उन लोगों के लिए, उन हाउसवाइफ के लिए, उन गर्ल्स के लिए जो सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण से, बहुत सारे रीजंस होते हैं गाइस। जब हमारी शादी हो जाती है तो हमें घर से बाहर नहीं निकलने की परमिशन होती है। हर घर का अपना अपना रूल होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप पार्लर का कोर्स सीखने जाएंगे तो करीब 1,50,000 रुपए तक आजकल चार्ज करने लगे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए मौका है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी क्लासेस लेकर के आती रहती हूँ। इससे पहले हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं स्किन चैप्टर को लेके। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी मेकअप की क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, उसमें भी लगातार क्लासेस आती रहेंगी, लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं वो आप प्लीज जाके, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट में आई बटन पे डाल देती हूँ और अपने चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा ना उस पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है कि तो आप देख सकते हैं कि कॉन्टोरिंग कैसे करते हैं, हाईलाइटिंग कैसे करते हैं, तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पर नहीं दूंगी, लेकिन आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेकअप से रिलेटेड। और हमारा अब चल रहा है स्किन का चैप्टर और इसमें हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी है। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि CTM रूल किसे कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत बार आप लोगों ने मेरे मुंह से कहते हुए सुन लिया होगा कि CTM रूल, बट ये CTM रूल होता क्या है, बहुत से लोगों को डाउट है। और आप लोगों की फरमाइश पर मैं आज आप लोगों का ये डाउट क्लियर कर देती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार लाइक कर दिया करो, क्योंकि आप जितने लाइक करते हो ना उतना मोटिवेशन मिलता है मुझे, और मुझे लगता है कि मेरी जो कोशिश है, जो मेरी मेहनत है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है। तो प्लीज लाइक कर दिया करो। और अगर आप नए हो तो आपको पता ही है आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा जिससे कि आप मेरी कोई भी क्लासेस को मिस नहीं कर पाए। दोस्तों आज हम ये जान लेते हैं कि CTM रूल होता क्या है। दोस्तों CTM का पूरा फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं तो सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टोनिंग ऑफ योर स्किन एंड एम फॉर मॉइस्चराइजर, यानी कि अब इसको करना कैसे। पहले ये चीज क्लियर कर लीजिए कि चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो, पिंपल्स वाली स्किन हो, ऑयली स्किन हो, जितने प्रकार की स्किन होती है सारे मैं आपको इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, चाहे आपकी किसी भी प्रकार की स्किन हो, आपको CTM रूल तो जरूर फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, कई लोग ये कहते हैं कि मेकअप से हमारी स्किन खराब हो गई या हमारे हमने कुछ ऐसा कुछ लगा लिया इसलिए हमारी स्किन खराब हो गई। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप CTM रूल को फॉलो करेंगे तो आप चाहे मेकअप करें, अच्छा हमारा जो प्रोफेशन होता है यूट्यूब पे आप और भी लोगों को देखेंगे जो मेकअप ट्यूटोरियल्स लेकर के आते हैं, वो भी तो अपने फेस पर मेकअप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी स्किन खराब हो गई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता रही हूँ क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग CTM रूल को फॉलो करते हैं, अपनी स्किन को पैम्पर करके रखते हैं। तो यही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप मेकअप करें आप मेकअप ना करें लेकिन आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो यू हैव टू फॉलो CTM रूल। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग इसका पूरा फुल फॉर्म होता है CTM रूल का। अब करना कैसे होता है, जैसे अगर आपने मेकअप अप्लाई किया हुआ है, तो आपने अगर मेकअप अप्लाई कर लिया है तो आप सबसे पहले इस तरीके का बहुत सारे गार्नियर के और भी कंपनीज में आते हैं, मैं जो है वो गार्नियर का यूज करती हूँ। गार्नियर का इस तरीके के जो मैकेलर वाटर आते हैं उन्हें आप यूज करिए अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए। मैं ये उनको बता रही हूँ जिनके फेस पर अगर मेकअप है, तो जिस टाइम आप CTM रूल फॉलो कर रहे हो, ऑफिस से आए हैं हल्का फुल्का अगर मेकअप है तो भी आपको हमेशा इस तरीके के गार्नियर के या किसी भी मेकअप रिमूवर से अच्छे से अपने फेस को रिमूव कर लेना चाहिए, फेस पे जितना भी मेकअप है। उसके बाद आपको करना चाहिए फेस वॉश, जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उससे आप फेस वॉश कर लीजिए। इस तरीके से तो हमारा पूरा ही क्लिनजिंग का पार्ट खत्म होता है अगर आपके में मेकअप लगा है तो। अगर आपके में मेकअप नहीं लगा है, आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो आप केवल फेस वॉश भी कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई अलग से क्लिंजर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए बताया जो मेकअप लगाते हैं या घर से बाहर निकलते हैं, तो वो लोग जरूर इस तरीके से पूरा क्लिंजिंग करेंगे।
अब उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है टोनर अप्लाई करना। टोनर आप स्प्रे कोई भी कंपनी का आप टोनर अप्लाई कर लीजिए, कुछ नहीं तो आप गुलाब जल जो होता है वो आप ऐसा टोनर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर किसी किसी ब्रांड में पैसा नहीं खर्च करना है तो आप घर का गुलाब जो आप हमारे पास डाबर जो गुलाबरी होता है उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ टोनर, नो प्रॉब्लम विद दैट। अब नाउ थर्ड जो हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप है वो होता है मॉइस्चराइजिंग ऑफ योर फेस। नाउ अब आप अपने स्किन, आप पहले अपना स्किन टाइप जाने, अब आप देखेंगे कि हर मॉइस्चराइजर पर लिखा होता है कि ये किस स्किन टाइप के लिए। अब जैसे ये मैं देख रही थी कि इसमें लिखा है क्या, ये हिमालय की है एंटी रिंकल्स क्रीम है ये, जो कि मैं यूज कर रही हूँ आजकल, और मैं क्रीमें चेंज करती रहती हूँ जब भी वेदर चेंज होता है, उस हिसाब से मैं भी अपनी क्रीम चेंज कर लेती हूँ क्योंकि हमारी स्किन भी चेंज हो रही होती है। इसका डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगी। वेल तो इस हर जगह पर यहाँ लिखा रहता है कि फॉर ड्राई स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, फॉर ऑयली स्किन, तो पहले आप अपनी स्किन जानिए, उसके बाद आप यूज करिए इस तरीके का कोई भी मॉइस्चराइजर। रात में सोने से पहले जरूर करें CTM रूल, दिन में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को जरूर जरूर फॉलो करेंगे। तो दोस्तों ये है पूरा CTM रूल, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। और अगर आप पार्लर चलाते हो और आपकी स्किन अगर खराब होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपकी बात पे भरोसा करेगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक बचपन में मैं एक पार्लर में जाती थी, तो वहां पे ना मतलब बचपन बोले तो इतनी भी छोटी नहीं थी, बट हाँ छोटी थी, तब मैं थ्रेडिंग वगैरह कराने एक पार्लर जाती थी, हमारे घर के पास में था। बट उन दीदी की ना स्किन बहुत ज्यादा खराब थी, मतलब उनके पिगमेंटेशन था, और ये तो मुझे लगता था, मुझे हमेशा ये लगता था कि इनका पार्लर है, और वो बहुत सारी क्रीम्स वगैरह लोगों को बताती रहती थी, आप ये यूज करो वो यूज करो, और बाहर आके ज्यादातर सब लोग यही बोलते थे कि ये तो इतना बताती है क्रीम व्रीम, और उनकी खुद की स्किन अच्छी नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर यही एडवाइस कर रही हूँ, अगर आपका पार्लर है और आप उसे पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं और आप आगे चल के अपना पार्लर खोलना चाहते हैं, तो आपको आज से ही अपनी स्किन को पैम्पर करना पड़ेगा और अच्छी बनाना पड़ेगा, तभी लोग आप पे भरोसा करेंगे। अगर आप सुंदर दिखेंगे तभी तो आपसे कोई आएगा काम कराने के लिए। सो गाइज ये होता है पूरा CTM रूल, आई रियली होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्या होता है CTM, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।